अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद होगी आप सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड। चलिए आज हम इस तरह से यम्मी डिलीशियस सी आलू बैगन साग की सब्जी बनाते हैं मोहर्रम स्पेशल। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम यहाँ पे पचफोड़न ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे पचफोड़न का लिया हुआ था फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे पचफोड़न छिटक गया है। चलिए फिर हम यहाँ पे लहसुन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इतने लहसुन लिए हुए हैं। यहाँ पे हम मैंने एक टुकड़ा बड़ा जिंगर का लिया हुआ था, अदरक का। यहाँ पे मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ को मैंने लाइट गुलाबी कर लिया है। चलिए फिर हम यहाँ पे टू पीस मैंने यहाँ पे 2 पीस ऑनियन लिया हुआ है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। हम इन्हें भी फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे ऑनियन जिंगर गार्लिक अच्छी तरह से पिंक फ्राई हो गए हैं। चलिए तो फिर हम इसमें अब हम यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब बैगन लिया हुआ था और 1 kg के करीब मैंने साग लिया हुआ है। आलू मैंने यहाँ पे 5 से 6 पीस कट किए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हम आलू के कुछ टुकड़े कर लेंगे और बैगन को हम इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। हमने मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली हुई है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और हम यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड करेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसे कवर कर देंगे ढक्कन से और हम इसे लो फ्लेम पे बॉइल होने देंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए फ्रेंड्स। ये देखिए आलू बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। चलिए तो फिर हम इसका एक्स्ट्रा पानी जितना है ना हम जला लेंगे सारे पानी को। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जला लिया है। चलिए तो फिर हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। देखिए यम्मी डिलीशियस सा आलू बैगन और साग की सब्जी मैंने बना के रेडी कर ली है मोहर्रम स्पेशल। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करेगा। मिलते कल एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।